दतिया की विधानसभा सेवड़ा में सिंध नदी पुल बनाए जाने की मांग पूरी की गई है, जिसे लेकर कांग्रेस सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह ने खुशी जाहिर की है। विधायक घनश्याम ने शिवराज सिंह चौहान, पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को धन्यवाद देते हुए उनका आभार माना और मिठाई बांटकर हर्ष व्यक्त किया। दतिया की विधानसभा सेवड़ा में सिंध नदी पुल बनाए जाने की मांग पूरी होने पर विधायक घनश्याम सिंह ने हर्ष व्यक्त किया है। उन्होंने शासन और प्रशासन का आभार व्यक्त किया और कहा कि सिंध नदी पुल आमजन की समस्या थी, इससे सेवड़ा क्षेत्र का आवागमन अवरुद्ध था और व्यापार भी 1.5 साल से ठप हो गया था। आए दिन जनहानि हो रही थी। स्कूल की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह धरने पर भी रहे और जिला प्रशासन द्वारा आश्वासन भी दिया गया था। उन्होंने इसके लिए विधानसभा शीतकालीन सत्र में प्रश्न लगाए थे। कांग्रेस विधायक घनश्याम ने बताया कि शिवराज सरकार ने सेवड़ा पुल के निर्माण के लिए 16 दिसंबर को टेंडर जारी करने के आदेश जारी करवा दिए हैं। विधानसभा क्षेत्र के 3 पुल बह गए थे, लांच का पुल, रतनगढ़ माता का पुल और सेवड़ा का पुल। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सेवड़ा का पुल है, जिसके कारण व्यापार ठप हो गया है, सेवड़ा का बाजार ठप हो गया है, जिसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यों से लोगों का आवागमन होता था। पूरी लाहर तहसील का ग्वालियर की आवागमन इसी पुल से था, सेवड़ा तहसील का, इंद्रगढ़ तहसील का, यहाँ तक कि झांसी जिला, जालौन जिले के लोगों का भी आवागमन था। इस पुल के टूटने से ग्वालियर, भिंड, दतिया, झांसी, जालौन, ये सब जिले के लोग प्रभावित हुए हैं। गनीमत है कि एक छोटा रपटा 100 साल पुराना मौजूद था, तो केवल 4-व्हीलर और 2-व्हीलर वाहन उससे निकल रहे हैं, लेकिन बड़े वाहन नहीं निकल पा रहे हैं। बसों का आवागमन बंद है, ट्रकों का आवागमन बंद है। इस पर कोई ध्यान शासन द्वारा नहीं दिया गया। आज लगभग 1.5 साल हो गया। पिछले वर्ष विधानसभा सत्र में, शीतकालीन सत्र में मैंने इस बात को उठाई थी, तब कहा गया था कि शीघ्र कार्रवाई की जा रही है। विगत बजट सत्र में, मार्च के सत्र में लांच और रतनगढ़ माता के पुलों को शामिल किया गया, लेकिन सेवड़ा के पुल को नहीं किया गया, जबकि ये सबसे महत्वपूर्ण था। तब से लेकर आज तक हर फोरम पे मैंने ये मांग उठाई। मैंने लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव जी, लोक निर्माण राज्य मंत्री सुरेश सिंह राठखेड़ा, मुख्यमंत्री जी, प्रमुख सचिव PWD और उनके चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वगैरह सबसे संवाद किया, पत्र लिखे, कई बार स्वयं मुलाकात की, लेकिन हर बार आश्वासन मिलता था कि बहुत जल्दी हम काम शुरू कर रहे हैं, हम विज्ञप्ति पहले निकाल देंगे और काम शुरू हो जाएगा, बाकी स्वीकृतियां बाद में होती रहेंगी, इसका भी प्रावधान है। प्रमुख सचिव ने उससे कहा था कि एक साधिकार प्राप्त वित्तीय समिति होती है, उससे हम 8 दिन के अंदर स्वीकृति ले लेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस विधायक ने सेवड़ा पुल के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को धन्यवाद देते हुए आभार माना। 15 दिसंबर को सेवड़ा पुल के संबंध में विधायक घनश्याम सिंह और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने ध्यानाकर्षण लगाया था, जिसके फलस्वरूप राज्य शासन ने सेवड़ा पुल के निर्माण के लिए 16 दिसंबर को ही टेंडर कॉल करने की प्रक्रिया के आदेश जारी कर दिए। सिंध पुल निर्माण की अवधि 16 माह रखी गई है। MPRDC द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में सेवड़ा पुल के निर्माण के लिए ऑनलाइन टेंडर कॉल किए गए हैं। पुल निर्माण की अनुमानित लागत 32.59 करोड़ रुपए की तय की गई है और पुल निर्माण की टाइमलाइन 18 माह तय की गई है। कि हमारे, मैंने ये विधानसभा सत्र जो 19 तारीख से हो रहा है, शीतकालीन सत्र, एक महीने पहले मैंने प्रश्न भी लगा दिया था और वो 22 तारीख को आएगा विधानसभा में उसका जवाब। परसों 15 तारीख को मैं भोपाल था, मैंने और डॉक्टर गोविंद सिंह जी, प्रतिपक्ष के नेता ने मिलकर संयुक्त रूप से एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर दिया विधानसभा में। तो जितना दबाव हम बना सकते थे पूरा दबाव बनाया और उस दबाव के कारण, खासतौर से जनता के समर्थन को देखते हुए, 29 अगस्त को जो जनता जिस तरह से उमड़ी थी हमारे धरना प्रदर्शन में, उसके बाद से भी लगातार व्यापारियों ने, जनता ने जो समर्थन दिखाया इस मांग के प्रति, उससे प्रभावित होकर मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे इस पुल के लिए कल विज्ञप्ति जारी की। कल अखबार में विज्ञप्ति जारी हो गई है, टेंडर जारी हो गया है, तो हमें उम्मीद जागी है कि अब शीघ्र ही पुल के निर्माण का काम शुरू होगा। हम धन्यवाद देते हैं मध्य प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को, सभी को धन्यवाद देते हैं और ख़ासतौर से धन्यवाद दूंगा मैं हमारे क्षेत्र की जनता को, आम जनता को और व्यापारियों को, इनको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इन्होंने जो समर्थन दिया हमारे आंदोलनों का उस, और उससे दबाव बना सरकार पे और सरकार ने हमारी मांग मंजूर कर ली है। दूसरी बात, जो छोटा पुल है, पुराना पुल जो रपटा है, वो आवागमन उससे अभी टेम्प्रेरी तौर पर हो रहा है, लेकिन उससे लगा, उसमें लगातार दुर्घटनाएं हैं।
बहुत सकरा पुल है, उसको मरम्मत के नाम पर और सकरा कर लिया गया प्रशासन के द्वारा, जिसके कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी तक पिछले डेढ़ वर्ष में 10-11 लोगों की जान जा चुकी है, तो उसका भी कार्यशील होना चाहिए, क्योंकि पुल की विज्ञप्ति तो जारी हो गई है लेकिन बनके तैयार होगा, उसमें 2.5-3 साल से कम का समय नहीं लगेगा। तो तब तक के लिए आवागमन सुलभ हो, हमारी मांग है कि एक पीपों का पुल बनाया जाए इस रफ्ते के समानांतर, जिससे वन वे ट्रैफिक हो, एक साइड का ट्रैफिक पीपों के पुल पे जाए, एक साइड का ट्रैफिक इस रफ्ते पे से आएगा, छोटे पुल से आएगा, ये व्यवस्था की जानी चाहिए और उसको सुरक्षित भी किया जाए, जिससे उसके बगल में रेलिंग लगाई जाए, उसकी मरम्मत कराई जाए, ये भी हमारी मांग है। हमें उम्मीद है कि ये मांग भी सरकार जिस तरह से पुल बनाने के लिए सहमत हुई है, इन मांगों को भी पूरा करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं